नमस्कार, मैं इंदु कुमारी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक एवं अंचल अधिकारी राजीव कुमार ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने मोहभंडार छठ घाट का निरीक्षण कर जानकारी ली है। एसडीओ ने मोहभंडार छठ घाट को बेहतर बनाने के लिए छठ घाट कमेटी और आईसीसी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। साथ ही पूजा स्थल तक आने के लिए जर्जर सड़क को दुरुस्त करने, घाट की सफाई एवं उचित लाइट की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर अरुणोदय छठ घाट समिति के उप संरक्षक बी एन सिंह देव, उपाध्यक्ष एन के राय, महासचिव नवल सिंह, एससीएल के मनोज कुमार ओझा, संदीप चटर्जी, समाज सेवी कालीराम शर्मा समेत काफी संख्या में प्रशासनिक एवं कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। मोहभंडार से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। हम लोगों ने आगामी छठ पर्व आने वाली है उसको लेकर हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया है और साफ सफाई से लेके जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है हम लोगों ने संबंधित को दिया है ताकि ये पर्व को जो है बहुत अच्छे ढंग से हम लोग मना पाए। जी हाँ, आज एसडीओ सर के नेतृत्व में और एससीएल के भी स्टाफ लोग थे तो छठ घाट में साफ सफाई और विधि व्यवस्था को लेकर के आज हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण किया है। यहाँ पर गंदगी की जो समस्या है और साथ ही जो क्राउड आएगी उसके सुविधा के लिए क्या क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं, छठ घाट कमेटी को भी आज हम लोगों ने बुलाया है, उनके साथ क्या परेशानियाँ दिक्कतें हैं वो हम लोगों ने सुना है और हम लोग प्रयास करेंगे कि छठ से पहले ही सारे सुविधाओं को मुहैया हम लोग करा सके। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने आवास और दीपावली एवं काली पूजा धूमधाम से मनाया एवं क्षेत्र में अमन शांति की कामना की। अवसर पर जमशेदपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर उन्होंने पूरे देशवासियों को दीपावली एवं छठ की शुभकामनाएं भी दी। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद करीम की। देखिए, यह दीपावली का उत्सव पूरे देश भर में मनाया जाता है और इसके कई त्योहारों का सम्मिश्रण है। जब हम दीपावली के माध्यम से पुरुषोत्तम राम के वापस आने पर अयोध्या में दीप जलाया जाता है और दीपोत्सव का एक बड़ा आयोजन परंपरागत रूप से होता है, यह कहा जाता है, यह एक सांस्कृतिक विरासत है। तो वहीं बहुत सारे क्षेत्रों में माँ काली की पूजा अर्चना होती है और उस माँ काली की पूजा अर्चना के माध्यम से लोग शक्ति के उपासक के रूप में शक्ति की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ ही यदि जनजातीय क्षेत्रों में जाए तो खासकर झारखंड में सोहराय फेस्टिवल, सोहराय का उत्सव होता है और इसी श्रृंखला में दीपावली के साथ, सोहराय के साथ छठ का भी उत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो पूरी तरीके से यह त्योहारों का अवसर है और त्योहारों में मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख समृद्धि और आनंद दे ताकि प्रत्येक नागरिक इस समय की जो चुनौतियाँ हैं उससे मुकाबला करते हुए आगे बढ़े। व्यक्ति, परिवार, समाज जब आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। बहुत शुभकामना। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्री समिति के अध्यक्ष सह एक्वा किरण के संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद ने आज दीपावली के शुभ अवसर पर सबर बच्चों के बीच मिठाई का वितरण किया, साथ ही फुलझड़ी जलाकर बच्चों के साथ दिवाली मनाई। वीरेंद्र प्रसाद उप पप्पू पिछले 13 सालों से हर साल दीपावली सबर बच्चों के साथ ही मनाते हैं। मौके पर एक्वा किरण के सीईओ कौशिक कुमार एवं अन्य लोग उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। दिसोम सोहराय पूजा क्षेत्र में गुरुवार से ही आरंभ हो गया है जो कि विभिन्न अनुष्ठान के साथ 5 दिनों तक जारी रहेगा। गुरुवार की सुबह सुसनी, निगाड़िया और बंडी के आदिवासी समुदाय के लोगों ने नायके बाबा और कुडुम नायकी के साथ गोट टंडी में पूजा अर्चना कर सोहराय पर्व की शुरुआत की। वहीं समाज के लोग एक स्थान पर बैठकर एक दूसरे का हाल चाल जाना, साथ ही सामूहिक रूप से खिचड़ी भोजन का आनंद लिया। सोहराय पर्व को लेकर आदिवासी गांव में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गांव के नायके उमेश मुंडा बताते हैं कि गोट पूजा हमारी पुरानी परंपरा है, इसमें मारंग गुरु, जाहोर आयो तथा अन्य आराध्य की पूजा करते हैं। मौके पर एक अंडा की भी पूजा की जाती है। पूजा के बाद किसान के पशु को अंडा के पास छोड़ा जाता है, जिस दौरान जिस पशु के पैर से अंडा टूट जाता है या छू जाता है उस पशु को शुभ मानते हैं।
इस पूजा के जरिए अच्छी फसल की कामना करते हैं। गालूडी से रिपोर्ट प्रकाश दास की। जमशेदपुर बालेडी सूर्य मंदिर और शिव मंदिर परिसर में पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय, सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह एवं अध्यक्ष संतोष यादव दीपावली के शुभ अवसर पर संयुक्त रूप से दिए जलाए। अवसर पर उन्होंने सभी लोक नगरी वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मौके पर लोगों के बीच मिठाइयों का भी वितरण किया गया। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद कलीम की। हर व्यक्ति का पर्व है, चाहे वो सुख में है, दुख में है, गरीब है, अमीर है, हर आदमी दिवाली को अपनी मनोकामना भगवान राम की लंका पर विजय के साथ जोड़ता है। अच्छाई के विजय हुई, बुराई के खिलाफ है, तो उसके प्रतीक स्वरूप भगवान राम के लंका से अयोध्या आने के अवसर पर जब दिवाली मनाई गई तो पूरा देश आज भारतीय संस्कृति के मुताबिक देश के हर कोने में ये पर्व मनाया जाता है, चाहे भाषा बोली वेश दूसरा कोई रखने वाला हो, मतलब इसलिए सभी दिवाली मनाते हैं। तो हम लोग भी उत्साह उमंग के साथ आज इस पर्व में शामिल होते हैं। सूर्य मंदिर कमेटी के तरफ से पूरे भारतवासियों, झारखंडवासियों, विशेषकर लोह नगरी जमशेदपुर वासियों के तरफ से मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। आज सारे देवी देवताओं से विशेषकर छठ मैया का पर्व चल रहा है। छठ मैया से ही आग्रह करता हूँ कि हे माँ, आपको जो भी है यहाँ की कमेटी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, सूर्य मंदिर का सभी का उज्जवल भविष्य हो, वे दीर्घायु बने, वे शक्ति शक्तिमान बलवान बुद्धिजीवी विवेकशील बने, ताकि सूर्य मंदिर का विकास दिनों दिन आगे की तरफ बढ़ते रहे, राज्य में देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, यही हमारी शुभकामना। गुरुवार को अमावस्या के दिन गालूडी क्षेत्र के कई मंदिरों में काली पूजन आयोजित हुई। इसके लिए सभी मंदिरों का भव्य रूप देखकर सजाया गया। खासकर गालूडी के 700 फीट से भी ऊपर स्थित रंकनी डूंगरी के काली मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। काली पूजन को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल रहा। रंकनी डूंगरी में स्थित ये मंदिर 2019 से रामकृष्ण विवेकानंद शारदा विद्यापीठ देवी मठ फुलपाल के सचिव सुखपानंद महाराज जी के देखरेख में संचालन किया जाता है। सुखपानंद महाराज जी ने बताया कि काली पूजा के बाद 7 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता जी उपस्थित रहेंगे। वहीं 7 नवंबर से 10 नवंबर तक लगातार धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगी। साथ ही 108 कुमारी कन्याओं की भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। गालूडी से रिपोर्ट प्रकाश दास की। ये आज दीपावली का पूजा है, काली पूजा है। ये बरबिल, ये इसको ठाकुरान नगरी बोला जाता है, जो 700 से अधिक ऊंचा है। इसका ऊपर में दुर्गा पूजा, काली पूजा, आपका लक्ष्मी पूजा, ये सब होता है। यहाँ बहुत भक्त लोग समागम में पूजा में भाग लेता है। जो ये रामकृष्ण विवेकानंद शारदा विद्यापीठ फुलपाल में इसका ऑफिस है, जो पहले जो स्वर्गीय पपरा जी का श्रद्धामयी पुरी माता जी को 2019 में देहांत हो गया, उसके बाद वो मेरा ऊपर जिम्मेवारी देके गया है। ये स्कूल और ये जो हम लोग को रंकुनी पहाड़ ठकरान डूंगरी बोला जाता है, ये माँ का बहुत कुछ यहाँ माँ बहुत रूप में दिखाई देता है। जो एक तो प्राचीन काल का जो नंदी बाबू का टाइम में इसका पूजा करता था, है उसके बाद माता जी का, जो माता जी इसको मंदिर का रूप में दिया है, ये माता जी का बहुत हम लोग ये करता है, सराहना करता है, जो ये मंदिर का रूप दिया है। हम 2 दिन पहले बन्ना गुप्ता, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो बन्ना गुप्ता जी है, उनका पास गया था, जो 7 तारीख को 7 फरवरी 2022 को हम लोग का ये मंदिर का प्रतिष्ठा दिवस है, वो हम लोग का करने का इच्छा किया है। अभी माँ का ऊपर डिपेंड करता है, ये सब माँ का ऊपर में निर्भर करता है। जो हम लोग 4 दिन इसका हम लोग ये रखेगा, मतलब अनुष्ठान रहेगा, बाउल संगीत रहेगा, साधु भंडार रहेगा, कीर्तन रहेगा, छौ नृत्य रहेगा, ये हर 7 दिन ये मेला रहेगा। ये मेला में हम लोग यहाँ अनुष्ठान कराएगा हर एक साल वही दिन 7 फरवरी 2022 को यहाँ आपका प्रतिष्ठा दिवस पालन किया जाएगा। ये हम लोग का अभी मान लीजिए MLA MP लोग का साथ हम लोग बहुत ही कोरोना के काल में बहुत दान किया है, अभी तक हम लोग को कुछ फंड नहीं मिला है,
फाट कुछ फंड मिलने से हम लोग बहुत कुछ काम करता है। अभी पहाड़ उठने का जो रास्ता है अभी रास्ता भी ठीक नहीं है, है इसके लिए हम लोग एमएलए साहब को दिया है, एमपी साहब को भी दिया है कि ये रास्ता हम लोग को बना दीजिए। वीडियो साहब को भी हम लोग बात किया था कि सर आप हम लोग का रास्ता बना दीजिए, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ यहाँ फंड नहीं मिला है। पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है, जो हम लोग बहुत दिक्कत में है, वो पानी भी मिलने से हम लोग बहुत अच्छा रहता है। ऊंचाई भी 700 अधिक ऊंचाई है, ठीक है। ये ऊंचाई में हर एक साल हम लोग दुर्गा पूजा काली पूजा का रूप में माँ का पूजा करता है। ये माँ का बहुत आशीर्वाद है, जो हम लोग का ऊपर जो श्रद्धा स्वर्गीय माता जी था वो पहले करता था, उसके बाद हम लोग का ऊपर में जिम्मेवारी देके गया है।